छोटा गोपीनाथ जी का मंदिर नवलगढ़, पुजारी शेखर शर्मा। देखो, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का प्रोग्राम मनाया जाएगा, जिसमें अब की बार हमने हिंदू धार्मिकता को बढ़ाते हुए और बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 6 से 8 बजे तक शाम को छोटे बच्चों की सांस्कृतिक संध्या कंपटीशन रहेगा, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी एवं डांस का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हम नवलगढ़ के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा मुख्य अतिथि रहेंगे और जिसमें जजमेंट बैठेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिसाइड करेंगे। उसके बाद में मंदिर परिवार की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा। उसके बाद रात्रि 8 बजे से मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवलगढ़ के स्थानीय कलाकारों द्वारा विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 साल से कम बच्चों का हमने झांकी के रूप में विशेष आयोजन आपको दिखाया जाएगा। छोटे बाल कलाकार सज धज के आएंगे, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। रात्रि 8 बजे जब भजन संध्या शुरू होगी श्री गणेश वंदना के साथ में होगी, जिसमें स्थानीय कलाकार एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देंगे। उसके बाद में ठीक चंद्रोदय के साथ में 12 बजे भगवान के जन्म उत्सव में गुंजायमान मंदिर परिसर आल की पाल की जय कन्हैया लाल की गुंजायमान होगा मंदिर परिसर। उसके बाद में भगवान का कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे हम, उसमें पंचग्रव्य आदि गंगा जल से लोहागल धाम से जो जल होता है उससे शुद्ध पंचग्रव्य से आदि इन से अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में 51 महादीपकों से आरती होगी। उसके बाद में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। मंदिर की स्थापना 250 वर्ष पूर्व हुई हुई है। आज 6ठी पीढ़ी का पुजारी मैं पुजारी शेखर शर्मा भगवान की सेवा पूजा में नित्य आरती पूजा एवं कार्यक्रम हम साल में 4-5 कार्यक्रम होते हैं, जैसे जन्माष्टमी का, अन्नकूट का, रामनवमी पे, शिवरात्रि के ऊपर और श्रावण में हम हर वर्ष एक प्रोग्राम जागरण का भगवान शिव का अभिषेक के साथ में जागरण व प्रसाद करते हैं। ये प्रोग्राम साल भर में 4-5 प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहते हैं और बाहर से काफ़ी महाजन परिवार हमारे इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी उद्योगपति जुड़े हुए हैं, जो हर वर्ष की भांति हमारे, जैसे अभी अमावस्या आएगी, काफ़ी वर्ष में हर दिन आते रहते हैं। जो प्रदेश के उद्योगपति हैं वो भी हमारे यहाँ पुजारी परिवार में हमारे भगवान शिव की, राधा कृष्ण की, गरुड़ जी की, बालाजी की सेवा पूजा एवं दर्शन के लिए हमारे यहाँ आते रहते हैं। देखो, इसमें यह है कि जन्माष्टमी के अंदर है ना, बाल गोपाल के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। उसके बाद में हम भगवान का अभिषेक के बाद में काफ़ी संख्या में अच्छे से अच्छे सजावट करते हैं, जिसमें ओरिजिनल फूल, लाइटिंग वगैरह, श्रृंगार, माल्यार्पण, पोशाक, पूरा गर्भगृह सजाया जाता है और वो लगभग 10-15 दिनों से भगवान की सेवा पूजा में सजावट होती रहती है। भगवान कृष्ण की जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो मूर्ति सप्त धातु से बनी हुई है, जिसमें हम श्रृंगार खुद करते हैं, जिसमें मूछें हैं, भगवान के आईब्रोज जो बोलते हैं अपन वो बनाते हैं, मुकुट है, राधिका जी का श्रृंगार है, जैसे गहना है, हार है, कुंडल है, मुकुट है, माला है, पगों में पैजनियाँ है भगवान की, ये सब हम खुद सजाते हैं भगवान की।